हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं ऑन डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना है तो अब दोस्तों आप अपने आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट अपडेट करवाना होगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि 14 जून 2023 तक ये बिल्कुल फ्री है। आप इसे ओपन पोर्टल से भी आप आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करवा सकते हैं या नज़दीकी आधार इनरोलमेंट सेंटर में जा कर के भी विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है आपके आधार कार्ड के साथ तो घर बैठे ही दोस्तों बहुत ही आसानी से आप अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट कैसे अपडेट करवा सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आधार कार्ड में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पर दोस्तों मैं uidai.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक दे दिया हूँ। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बता रहा है कि डिड यू गेट योर आधार इशू 10 ईयर्स बैक एंड नेवर गॉट इट अपडेट। तो दोस्तों आपको इस पॉपअप को यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एक ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड आधार, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। सबसे पहले तो आपको अपना आधार कार्ड को लॉगिन करना होगा। मैंने आपको बताया कि आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए तभी दोस्तों आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप नज़दीकी आधार इनरोलमेंट सेंटर में जा करके अपना आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक करवा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले तो आप यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर इंटर करना होगा। नीचे ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर इंटर करना होगा और सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। आपके आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा, उस पासवर्ड को यहाँ इंटर करना होगा। उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे दोस्तों आप सेंड OTP पर क्लिक करते हैं तो आपके आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर इंटर करना होगा और उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इसे लॉगिन करते हैं, अब आप देख सकते हैं जो आपका पोर्टल है वो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे ही स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट अपडेट, क्लिक हियर टू अपडेट योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी POI और साथ ही एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी POA डॉक्यूमेंट। दिस सर्विस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 जून 2023। तो यहाँ पर दोस्तों 14 जून 2023 तक जो है बिल्कुल फ्री है, आप अपने आधार कार्ड के साथ जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं यानी अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए ये जो एरो का बटन आपको दिख रहा है इस पर आप क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ रहा है। जैसे फ्रेंड्स आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कुछ स्टेप को आपको यहाँ पर फॉलो करना होगा। उसके बाद ही आप अपने आधार कार्ड पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने तीन स्टेप आएगा। पहला स्टेप आप देख सकते हैं, प्लीज़ वेरीफाई योर डेमोग्राफी डिटेल। सबसे पहले तो आप अपना जो डिटेल है उसको आप मैच कर लीजिए कि वो सारा चीज़ सही है कि नहीं, जैसे नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सारा चीज़ सही है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। सेकेंड स्टेप में दोस्तों आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। गाइडलाइन फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट साइज शोल्ड बी लेस देन 2 MB। आपका जो डॉक्यूमेंट होगा जो आप अपलोड करेंगे वो दोस्तों 2 MB से आपका कम होना चाहिए। सपोर्टेड फॉर्मेट में आपका JPG, PNG और PDF में होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं बता रहा है कि प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। सबसे पहले तो सेलेक्ट करना है कि आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या डॉक्यूमेंट है, जैसे पैन कार्ड है या मैरिज सर्टिफिकेट है या मैट्रिक सर्टिफिकेट जैसे मार्कशीट है या फिर इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस है या जो भी यहाँ पे लिस्टेड है इसके अंदर में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पे दोस्तों वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं बता रहा है कि व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट। सबसे पहले इस बटन पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक कीजिएगा और जहाँ पर भी दोस्तों स्कैन किया हुआ आपका डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे दोस्तों आप डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके ओपन बटन पर क्लिक करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 100% आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आना होगा और यहाँ पे बता रहा है कि प्लीज़ अपलोड प्रूफ ऑफ
एड्रेस। अब आपको एड्रेस प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है और उसके बाद उसे अपलोड करना है। एड्रेस प्रूफ के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडियन पासपोर्ट, या फिर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपका पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो भी है आप इसमें से सेलेक्टेड कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड होता है तो वोटर आईडी कार्ड को सेलेक्ट करके फिर से ओके बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप अपना वोटर आईडी कार्ड को भी अपलोड कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद लास्ट में दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है। तो जैसे दोस्तों ये सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो UIDAI की तरफ से वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपका आधार कार्ड में जो भी डिटेल है वो सारा डिटेल आपका जो भी आपने आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए अपलोड किया हुआ है वो अगर मैच हो जाता है तो आपका आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही आसानी से आप अपने आधार कार्ड में बिना आधार सेंटर जाए आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर लैपटॉप से बहुत ही आसानी से अपने आधार कार्ड के साथ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आज का ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि इस चैनल पर जैसे मैं कोई नया टॉपिक पर वीडियो पोस्ट करूँगा सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। अभी तक दोस्तों आपने हमारा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप सभी को बता दो दोस्तों कि हमारा एक वेबसाइट पेज है, अगर आप गूगल पर जाकर के सर्च करते हैं AK ऑनलाइन सपोर्ट तो फर्स्ट में ही दोस्तों ये वेबसाइट का लिंक आपको मिलेगा। इस पर दोस्तों आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से दोस्तों आप ढेर सारे इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स आते हैं, साथ ही दोस्तों KYC से रिलेटेड या फिर दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड मैं लगातार यहाँ पर पोस्ट करते रहता हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो आप आकर के एक बार विजिट कर सकते हैं, आप गूगल में जाकर के सर्च कर सकते हैं AKOnlineSupport.com। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी भी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।